देश में इस टाइम एक गलत ट्रेंड चल रहा है। जैसे हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने लगभग 190 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, उसके पहले की केंद्र कांग्रेस सरकार ने 500 स्कूल 700 स्कूल बंद कर दिए इन दोनों सरकारों ने मिलकर पिछले कई सालों में, पिछले कुछ सालों में। सरकारी स्कूल अगर हम बंद करते जाएंगे तो गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? कहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे कम आते हैं, कम आने लग गए। आपने सरकारी स्कूलों का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि गरीब आदमी भी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता, वो अपना पेट काट के दो टाइम की रोटी कम खा लेगा, प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू कर दिया। आप सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय उनको शानदार बना दो, देखो बच्चे आने लग जाएंगे, अमीरों के बच्चे भी आएंगे, दिल्ली में अमीरों के बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो सिस्टम पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये बड़ा डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। देश में 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, इनमें से 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर हमने सरकारी स्कूल बंद करने चालू कर दिए, 18 करोड़ गरीब बच्चे कहां जाएंगे? क्या 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे? अगर 18 करोड़ बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए तो देश कैसे तरक्की करेगा? इन 18 करोड़ बच्चे जो 10 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके लिए हमें शानदार शिक्षा का इंतजाम करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बातें बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ सकेगा।